नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपली नेचुरल लाइफ जो ब्लॉग्स में। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइस, ये है दोपहर का टाइम और मैं ये संडे वाला दिन है एंड मैं नहा धोकर निकली हूँ एंड यहाँ पे मैंने अपने फेस पे ना मॉइस्चराइजर लगा रही थी क्योंकि मैं नहा के जस्ट निकली एंड बाल भी वॉश किए थे मैंने। तो मैंने सोचा कि थोड़ा ना फेस नहीं तो ड्राई हो जाता कुछ भी अगर आप फेस पे नहीं लगाते हो तो। एंड यहाँ पे मैंने फेस पे लगाया और हाथ पे ना बॉडी लोशन लगा रही थी। वैसे तो ज़्यादा मैं लगाती नहीं हूँ लेकिन मैंने सोचा कि आज लगा लूँ एंड क्योंकि मेरे सामने रखा भी था तो मैंने लगा लिया, नहीं तो मेरे को ना इतना जल्दी लेट होता रहता है कि मैं लगाती भी नहीं हूँ कितनी बार। तो मैं बॉडी लोशन हमेशा स्किप ही करती हूँ, हफ्ते में एक दिन लगा लिए तो बहुत है, नहीं तो मैं नहीं लगाती हूँ सच बताऊँ तो। और होता है मेरे साथ, किसके साथ ऐसा होता है मुझे बताना कमेंट करके। एंड यहाँ पर ना जो भी सारे जो कपड़े थे वो सारी चीज़ें भी मैं जमा रही थी, देख रही थी थोड़ा बहुत अगर बाथरूम के पास में पानी वानी गिरा तो नहीं है, उनको भी थोड़ा क्लीन कर दूँ, साफ़ कर दूँ। और यहाँ पे ना मैंने क्या किया था कि मेरे को ना गीला गीला अच्छा नहीं लगता, अगर गीला रहा तो स्लिप भी मारता है, तो इससे अच्छा किया फर्श एक तो इतना ज़्यादा चिकना है कि स्लिप मारता है, इसलिए ना मैं ना गीले गीले जो भी चीज़ थोड़ी बहुत रहती साफ़ कर देती हूँ ताकि, क्योंकि मैं यहीं 10 बार घूमती रहती हूँ तो मैं ही ना गिरूँ। एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे ना आज बहुत ज़्यादा अच्छा खाना बनाई थी मैंने, मतलब बहुत टेस्टी था। कभी कभी चीज़ें होती ना बहुत सिंपल होती पर बहुत खाने में बहुत टेस्टी होती है, सो सबको अच्छा लगता है दाल चावल और सब्ज़ी। तो मैंने आज रोटी नहीं बनाई थी गाइस, मैंने सिर्फ दाल चावल टमाटर की सब्ज़ी बनाई थी बस, बाकी मैंने कुछ नहीं बनाया था। सो जो टमाटर की रेसिपी है सब्ज़ी मतलब, वो मैं आप लोग के साथ रेसिपी शेयर करी हूँ इस वीडियो में, आप लोग देखना। नहीं यहाँ पे ना पहले मैं दाल पे छौंक लगा रही थी क्योंकि मैंने दाल पहले ही बॉईल करने रख दिया था तो ताकि मेरे को ना ज़्यादा लेट ना हो, तो बाकी काम कर रही थी मैं। सो यहाँ पे मैं दाल पे ना छौंक लगा दिया एंड यहाँ पे जब छौंक हो गया उसके बाद फिर मैंने ना बॉटल में ना पानी रखा था तो मैं तो जग में भर रही थी। एंड उसके बाद यहाँ पर ना सिंपल सिंपल चीज़ें अच्छी लगती हैं खाने में, जितना कम चीज़ें हों ना, जितने मसाले कम ऐड होते हैं उतनी चीज़ें ज़्यादा टेस्टी लगती, कभी भी देखना ऐसा होता है खाने में। सो मैं तो हमेशा ऐसी चीज़ें करती हूँ कि जितना हो सके उतना सिंपल रखती हूँ मैं खाने को, ताकि खुद भी झंझट ना हो और टेस्ट भी ठीक रहे, अच्छा रहे, सो इसीलिए। एंड उसके बाद यहाँ पे मैंने दाल ना तड़का लगा दिया था एंड एक साइड चावल बॉईल करने रख दूँगी ताकि चावल भी हो जाए, उसके बाद मैं सब्ज़ी बनाऊँगी, नहीं तो चावल को बाद में भी अपन रख दोगे तो भी गर्म गर्म हो जाते हैं ये बहुत जल्दी। सो जब तक मैं ना दाल वाली ये सारी चीज़ें चावल वॉश कर रही थी जब तक मेरी दाल हो गई थी, सो मैंने ना इसमें देख रही थी पानी कितना कितना सही है कितना नहीं, तो यहाँ पे ना दाल हो गई। सो मैं दाल को ढक के ना एक साइड चावल चढ़ा दूँगी और एक साइड है तो सब्जी बना लूँगी फटाक से, बस बाकी कुछ था नहीं और इजी हो गया था खाना बनाना भी क्योंकि उनका मन भी नहीं था, तो बोले जान दे तू आज यही बना दे, बहुत दिनों के रोटी वोटी तो खाते ही रहते हैं इसीलिए। तो यहाँ पर मैं टमाटर निकाल रही थी क्योंकि चूहे इतना परेशान करते हैं ना, तो टमाटर मेरे को थैली में रखने पड़ते हैं, सो मैंने यहाँ पर ना थैली में रखे और 2-3 टमाटर बहुत होते, सो यहाँ पे मैंने रख दिया। एंड उसके बाद यहाँ पे ना मैंने सोचा तो चावल उबल रहा है मतलब सीटी लग रही है चावल में, तब तक मैं जो सब्ज़ी है वो काट के रख दूँ ताकि दाल तो जो है ना थोड़ा जल्दी हो जाएगी चीज़ें तो अच्छा रहता है। यहाँ पे मेरे बाल बहुत ज़्यादा गीले थे तो मैंने बाल खोल के रख दिया था ताकि सूख जाए, नहीं तो फिर ना गीले 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 और ज़्यादा सर्दी होती है, सो इसीलिए मैंने ना खोल के रख दिया था। एंड यहाँ इसमें ना निकालूंगी मटर ताकि जो भी थोड़ा पानी है ना इसका एक्स्ट्रा वो निकल जाए। यहाँ पे मैंने चीज़ें काट के रख ली हैं, देख सकते हैं यहाँ पे मैंने चढ़ाई दी है कढ़ाई और उसके बाद मैं यहाँ पे ना आपको नॉर्मली कढ़ाई जब गर्म हो जाए अच्छी तरह से उसमें डालती हूँ मैंने हींग एंड उसके बाद राई जीरा डाल दिया मैंने थोड़ा सा तड़का एंड उसके बाद जो मैंने कांदे कट किए करके रखे थे वो डाल दिया है एंड यहाँ पे उसको थोड़ा सा चला दूँगी ताकि थोड़ा गर्म हो जाए अच्छी तो थोड़ा लाल हो जाए प्याज। उसके बाद यहाँ पर मटर और टमाटर दोनों को साथ में डालूँगी। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया टमाटर मटर और उसको अच्छी तरह से चला दूँगी और उसके यहाँ पे ना ये सब्ज़ी सिंपल रहती है और अच्छी भी लगती है। और यहाँ पे मैंने नमक डाल दिया था ताकि टमाटर जल्दी गल जाए एंड यहाँ पे सब्ज़ी देख सकते हो ये थोड़ी देर के लिए मैं ढक के रख दूँगी। Hey
एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपली नेचुरल लाइफ आरजे ब्लॉग्स में। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो आज है संडे और अभी टाइम हो रहा है दोपहर का, टाइम बज रहे हैं ऑलमोस्ट 2 बज चुके हैं। सो अभी मैं बना रही हूँ खाना और खाने में मैंने बनाया बहुत सिंपल सा दाल चावल और टमाटर मटर की सब्ज़ी, जो बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। एंड गाइस, पता है आपको, ये विंटर के टाइम में ना जो सबसे ज़्यादा मेरे घर पे मम्मी बनाती थी वो है टमाटर मटर की सब्ज़ी, बहुत टेस्टी बनाती थी। एंड इतने बार पापा भी बनाते थे और तुअर की दाल के साथ ये कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा बेस्ट लगता है एंड मुझे तो बहुत अच्छा लगता खाने में। सो इसलिए मेरा मन कर रहा था आज यही बनाने का, तो मैंने सोचा यही बना लेते हैं। एंड आज संडे भी है, छुट्टी भी है, तो आराम से बैठ के खा सकते हैं मैं और मेरे हस्बैंड, तो इसलिए मैंने यही बनाया। एंड अभी यहाँ पे ना सब्जी बन रही है, तो अब देख सकते हैं मैंने यहाँ पे दाल बना दिया एंड सब्जी बना रही हूँ, चावल भी रेडी हो गए, रोटी भी बन गई है। सो चलिए जल्दी से सब्जी को चला। एंड गाइस, यहाँ पे देख सकते हो आप, सब्ज़ी मेरी ऑलमोस्ट पक चुकी है एंड इसके बाद मैं डाल दूँगी अपने जो डेली यूज़ करने वाले मसाले रहते हैं उसे डाल दूँगी, ताकि बस उसके बाद ढक के रख दूँगी। एंड यहाँ पे मैंने बनाई है दाल और यहाँ पे मैं चली गई हूँ थोड़ा सा घूमने, संडे मार्केट, मैं, हंसा और बाली। सो ऑटो में हम जा रहे हैं एंड यहाँ पर जल्दी जाते हैं क्योंकि यहाँ का एरिया ज़्यादा अच्छा नहीं है, इसलिए जल्दी आ भी जाते हैं। एंड थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल एंड जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी एंड टेक केयर।